आप सबको ये फैसला करना पड़ेगा, आप सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मुझे ये मैं जब जाऊं, नहीं जी मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूं। मैं जी गैर सियासी, गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट देखा होगा, हजारों हिरण खड़े होते हैं, एक कमजोर सा चीता जाके पकड़ लेता है एक हिरण को, सारे बाकी गैर सियासी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। अगर उन्होंने से 10 भी खड़े होकर चीता पे हमला करें वो भाग जाए, लेकिन वो सारे गैर सियासी होते हैं। ये कि आपके मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, गरीब बेचारा मर रहा हो, खुदकुशियां कर रहे हो लोग, अन्य हम गैर सियासी, हम नहीं कुछ करेंगे। ऊपर आपके सारे मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, हम जो गैर सियासी हैं। एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा, उसने कहा अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी होगी हर शहरी सियासत में हिस्सा लेगा। फिर उसने क्वालिफाई किया स्वाय दो तबकों के, एक बुजदिल और दूसरा खुदगर्ज, कि जी मेरी फैक्ट्री ना खराब हो जाए। मैं बड़े लोगों ने कहा और जी वो उस टैक्स वाले मेरी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, वो जी मेरी कंसल्टेंसी खत्म हो जाएगी। खुदगर्ज और बुजदिल, वो देखें जी वो अल्ताफ हुसैन है, वो जी वो चौधरी हैं, वो फलाने शरीफ हैं, वो जरदारी हैं। ये जो खौफ है, ये जो बुजदली है, ये दो चीजें हैं जो माशरे को गुलाम बनाती हैं।